तो गाइस आप देख सकते हैं इस बच्चे की कटिंग करनी है हमने, अभी हेयर कट कर रहे हैं मिस्टर अमजद। क्लिप्स वगैरह लग चुकी है बालों पे, तो पहला ट्रिमर एक नंबर गार्ड यूज कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। गाइस ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी आ रही है कमेंट करके जरूर बताना हमें। माइक का यूज नहीं कर रहे हैं, ये फोन का ही माइक है। गाइस अगर आप में से किसी को भी हम कटिंग करानी हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लें, जिससे आपको आसानी होगी क्योंकि आपको फिर वेट करना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा किस वक्त आप आएँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ऐसे, और बेस्ट हेयर कट एक्सपीरियंस होगा इस वजह से आपको। सो गाइस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। कोई भी चीज़ आपको अगर गलत लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ आपको सही नहीं लगी। का गार्ड यूज कर रहे हैं, नीचे हमने एक नंबर लगाया, देख पा रहे होंगे हमने कितना कितना एक नंबर लगाया, उसके ऊपर वाले बाल है जो उसको दो नंबर में लगाना है, जिससे हमारा अच्छा स्लोप आएगा, प्रोफेशनल लगेगा देखने में। देखिए आप हमें स्टेप विजिबल नहीं रखना है, बिल्कुल स्लोप में कन्वर्ट कर देना है स्टेप को। दोनों साइड से प्रॉपर फेड कर देना है हमें गार्ड्स का यूज करके। जैसा कि आप देख सकते हैं अब एक नंबर लगा के लीवर को नीचे करके डेढ़ नंबर बना के अब ये जो हमने लाइन बनाई थी एक नंबर से वो पूरा अच्छे से मैच करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखें ये डेढ़ नंबर से फेड मैच किया हुआ है यहाँ से,
देख पा रहे हैं। देखें सीजर से इसको पूरा बॉर्डर लाइन बनानी है हमें, ताकि हेयर कट और भी ज़्यादा अच्छा लगे, फ्रेश लगे बिल्कुल। साइड से लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है गाइस, क्योंकि यहाँ से लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। तो गाइस देखिए, अब हमें बालों को डिवाइड करके प्रॉपरली बीच में से सीजर के साथ कट मारना है, उसके बाद यहाँ पर ब्लेड यूज़ करना है, ताकि ऊपर वाले बाल हैं जो वो नीचे ना आए, यही जगह सेट रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ये स्टूडेंट है और स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती होगी, इस वजह से हमें प्रॉपर सेट करके देने पड़ेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हमें ये फॉरहेड लाइन में ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है, देखिए सिर्फ ये एक्स्ट्रा हेयर्स काटने होते हैं। कई बंदे होते हैं जो फोरहेड को काफ़ी बड़ा कर देते हैं, जिस वजह से एक बार तो अच्छी लगती है कटिंग, फिर नेक्स्ट टाइम वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मुश्किल हो जाता है।
देखो शावर मार रहे हैं, फिर बाल गीले करेंगे, उससे बाल अच्छे से कटेंगे, पूरा लेंथ पता लग जाएगी। ड्राई बाल होने की वजह से लेंथ का पता नहीं लग पाता है। हम ऊपर वाले बाल काट रहे हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बाल कटने चाहिए, बिल्कुल बराबर, ताकि वेव ना आए कोई भी ऊपर वाले बालों में। जब भी हम छोटे बड़े बाल काटते हैं तो ऊपर वेव आना स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से बाल भी सेट नहीं होते हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं देखने में। जब हम ऊपर से परफेक्टली बिल्कुल बराबर बाल काटेंगे तो ना कोई वेव आती है और बाल भी देखने में अच्छे लगते हैं, चाहे बाल सेट हों या ना सेट हों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने फिंगर्स में पकड़ के फिर इधर से बाल काटने होते हैं। देखिए आप, आगे से हमें परफेक्ट कट करना है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये छोटा बच्चा है। अब आप ऊपर से देख पा रहे होंगे कोई वेव नहीं आ रही है ना कुछ, अगर ऊपर से छोटे बड़े बाल कटे होते तो वेव्स भी आनी थी और देखने में भी अच्छा नहीं लगना था। देखिए आप, अब यहाँ पे क्लिप लगाएंगे, जो हमने बाल डिवाइड किए थे ऊपर से जहाँ पे कट मारा था सीजर से, अब वहाँ पे हम उस तरह से कट मारेंगे। किसी को उस तरह नहीं पता हो, ब्लेड जिसे हम उस तरह कहते हैं, चेक करें आप, ऐसे ही कितनी प्यारी शेड आ रही है। अभी कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं कटी हुई है, खाली सिर्फ नॉर्मल सिंपल हेयर कट हुआ है। साइडों से अभी ये सारे बाल रहते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाले बाल काटने हैं अभी, ये इसके कानों के पीछे से ये वाले सारे बाल काटने हैं। क्लिप लग चुकी है दोनों, देखते हैं भाई का हेयर कट कैसे होगा एंड में। तो जिस किसी को भी इस हेयर कट का नाम नहीं पता, मैं बताना चाहूँगा, इस हेयर कट का नाम है वन साइड फेड। हेयर कट सबसे आसान होता है कैरी करने के लिए, सिंपल, बस एक साइड से कंघा करो या ड्रायर कर लो, बाल सेट हो जाते हैं बिल्कुल। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे ताकि बाल थोड़े से नरम हो जाए और बच्चे को पेन ना हो ब्लेड लगाने की वजह से। ये तो कई बंदे होते हैं जो बिना किसी पानी के, बिना किसी क्रीम के, मतलब कोई भी लिक्विड यूज़ करना ही करना चाहिए। कई बंदे ऐसे होते हैं जो बिना कोई क्रीम, बिना कोई लिक्विड यूज़ करे सीधा ब्लेड चलाने लगते हैं, उस वजह से जलन होने लगती है काफ़ी। देखिए भाई, अब यहाँ पे कैसे कट लगेगा वो भी देखते हैं, हम आपको पूरा दिखाएंगे अच्छे से, चेक करें। बिल्कुल हमें पतला पतली 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 लाइन लगानी है, इतनी मोटी भी नहीं करनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देखिए कैमरा ब्लर कर रहा है ज़्यादा पास जाने पर, तो थोड़ा दूर से ही बनाना पड़ेगा। देखें, चेक करें, देखो कट मार दिया। अब यहाँ से सीधे से हमने बाल सेट करने हैं। कटिंग हो चुकी है, अब ड्रायर से हम इसके बाल सेट करेंगे अपने क्लाइंट। देखिए आप, इस तरीके से ड्रायर मारना होता है हमें, तो परफेक्ट बॉल सेट हो जाती है अच्छे से। इस
सकते हैं हम हेयर एंड बियर्ड वैक्स यूज कर रहे हैं क्योरा मैन की एसेंटियल फॉर मैन, देखें आप विद दैट सी मिनरल 12 हावर स्टे। इसकी प्राइस है गाइस, देखो मैं प्राइस चेक करके बताता हूँ प्राइस क्या है इसकी। तो गाइस यहाँ पे पोपट हो चुका है, यहाँ पे प्राइस ही नहीं लिखा है इन लोगों ने, देख सकते हैं आप। ये वैक्स यूज किया हमने, आप भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वैक्स है। ये देखें लुक, देखें कैसी आती है इस वैक्स को यूज करने के बाद। चेक करें भाई के बाल बिल्कुल सेट हो चुके हैं, देखें। कैसा लगा हमारा वीडियो और हेयर कट कैसी लगी इस बच्चे की कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। उम्मीद है कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय।